ऐसे सरल और अज्ञानी लोगों की दुर्दशा को दर्शाती है जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की अपेक्षा की गई है। मुख्य रूप से हम बात कह सकते हैं कि डबा टेक सिंह जहां आज भी बसती है, सांप्रदायिकता संद्राव की विरासत है। और भारत में हम टोबा टेक सिंह को महान कहानीकार शहादत हसन मंटो के माफक जानते हैं। टोबा टेक सिंह विभाजन पर मंटो की सबसे प्रसिद्ध और त्रासद कहानियों में से एक है। टोबा टेक सिंह के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि जो वहां का जो त्राहती था विभाजन का, वह सिर्फ मानव जो सभ्य मानव थे उन्हीं पर यह असर नहीं डाला। वह इन पागल या अन्य वंचित लोगों पर भी इसका असर, मानसिक जो संवेदनाएं थी, प्रफुल्लित होती। आजादी के बाद हर जगह नाम बदलने की कोशिश हुई, जहां अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता या अहमद बताते हैं कि कट्टरपंथियों ने कई बार इस जगह का नाम बदलने की कोशिश की। उन्होंने इस जगह का नाम दर उल इस्लाम करने का प्रस्ताव रखा था, जो टोबा टेक सिंह की बात कर रहे हैं। लेकिन टोबा के लोगों ने इस पर विरोध किया, अभी जगत को विरासत की तरह बचाए रखा अभी तक। उसके उपरांत मानव अधिकार के संगठनों से जुड़ा आगाजे दोस्त नामक भारत पाक के किस्में से एक है, जो कि आपका नाम बहुत जगह पे नाम सांप्रदायिकता के आधार पर, विभाजन के आधार पर परिवर्तन कर दिया गया। भारत में भी आप देख रहे होंगे आए दिन नाम परिवर्तन हो रहे हैं, और वह कहीं न कहीं इसका भी जीता जागता सबूत टोबा टेक सिंह का यह कहानी, जो कि आज भी नाम धरोहर के रूप में सजीव की तरह रखा गया है, जीवित रखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे दीदी कहानी के बारे में। दीदी कहानी जो मलयालम कहानी है, जो एमटी वासुदेव नागर की कहानी है, कथा है। एमटी नायर जी का जन्म 9 अगस्त 1943 या माफ कीजिएगा 1933 को केरल के पोन्नानी तालुक के कुटलूलर नामक गांव में हुआ था। जो उनका अध्ययन, अच्छे से पढ़ाई करना अव्वल आना उनका खासियत था। और उसके उपरांत वो कॉलेज में अध्यापक भी बने। सन 1956 में मलयालम के प्रतिष्ठित साप्ताहिक मातृभूमि में सह संपादक के पद पर नियुक्त भी किए गए। और उसके बाद 1968 में वे संपादक बन गए। और 1981 में सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य सृजन में उन्होंने पूर्ण रूप से व्यस्त हो गए। और एमटी नायर की प्रिय विधा कहानी है, और उन्होंने 16 कहानी संग्रह प्रकाशित की हो चुके हैं उनका। अब विश्व कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी पालतू जानवर पुरस्कृत होने के बाद वह कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एमटी नायर जी की कथा साहित्य मध्य वर्ग का निराश, यानी मध्य वर्ग का जो निराश है, निराशपन और व्यथा व प्रतिरोध पर केंद्रित है। उनकी जो पहली उपन्यास है आधी रात और दिन का प्रकाश 1953 में उनके द्वारा लिखी गई थी। सन 1963 में उनका फिल्म क्षेत्र में प्रवेश हुआ, और
अधिकतर पटकथा वो अपनी रचना पर तैयार करते थे। उसके बाद पटकथा लेखन के लिए वह 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हो चुके हैं। चलिए अब कथा के बारे में चर्चा करते हैं। दीदी कहानी पूर्ण रूप से एक 5-6 साल के बच्चे के माध्यम प्रस्तुत किया गया है। बच्चे के विचारों में माध्यम से सारी कहानी प्रस्तुत की गई है, इसलिए भाषा सरल है और अधिकतर पात्रों से अपूर्ण संबंध है। अप्पू अपनी माँ मालू को दीदी पुकारता है और उसे मालू को दीदी पुकारने की आदत गई है, डल गई है, क्योंकि अप्पू का नाम या जन्म मालू के अनैतिक संबंध के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब मालू का भाई के इस कार्य से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। मालू की इस गलती का दोष वह अपनी माँ को देता है। वह अपनी माँ को कहता है कि सब सिख तूने बेटी को पहले ही देनी चाहिए थी। 5 साल हो जाने के बाद मालू का भाई दरवाजे पर आकर लौट जाता है, घर के अंदर नहीं आता है। जब भी मालू की माँ मालू को डांटती है तब उन्हें नानी पर गुस्सा आता है और अपू नानी के गुस्से की वजह न समझकर सोचता है कि दीदी नानी की डांट फटकार क्यों सहती। नानी के मन में अपू के लिए जरा सा भी ममता नहीं दिखाई देती, वो हमेशा उसे कोसती ही रहती है। मालू के यह कहने की कोस कोस पर बच्चे को मार डालेगी क्या। अप्पू की नानी मालू को अपनी के जन्म से जुड़ी बात याद दिलाती है और साथ ही अधिक गुस्सा करती है। दीदी लगभग हर रात को अप्पू को कहानी सुनाती है, लेकिन एक रात दीदी ने अप्पू को कहानी नहीं सुनाई और चुपचाप है। अप्पू को लगता है कि दीदी की तबीयत खराब है। वह अप्पू को नहलाती है, खिलाती है, लेकिन चुप रहती है। मालू के चुप रहने का कारण अप्पू समझ नहीं पाता, जबकि मालू इसलिए चुप है क्योंकि नानी दीदी यानी मालू की शादी की योजना बना रही। शकरन नायर जो मालू के लिए रिश्ता लाया है वह नानी को समझता है कि बच्चे के बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। नानी भी मालू को कहती है कि उसके बारे में सोचकर मन मारने की जरूरत नहीं है, अप्पू का मासूम मन यह सब नहीं समझ सक पाता। ये कथा का सारांश है। लगभग एक दिन स्कूल में लौटने के बाद अप्पू को पता चलता है कि घर में मेहमान आए थे, मीठा पकवान भी बना है। पहाड़ी प्रदेश वायनाडु दीदी को देखने कोई आया था। शंकरन नायर ने माध्यम से पता चला कि सरकार से 4 एकड़ जमीन मिली है। परिणाम स्वरूप मेहनत करने से गुजारा आराम से हो जाएगा। अप्पू इन सब बातों का स्पष्ट मतलब नहीं समझ पाता। एक दिन अप्पू को सुबह उसे तैयार करती है और लगातार कुछ न कुछ सलाह देती है कि कैसे रहना है। अंत में कहती है कि बेटे एक बार मुझे माँ कहकर पुकार। अप्पू को यह सब अच्छा नहीं लगता। अप्पू प्रश्न करता है कि दीदी माँ कैसे हो सकती। उसके बाद वह स्कूल चला जाता है। उस दिन शाम को अप्पू जब घर आता है तो दीदी दीदी पुकारता है, लेकिन दीदी जवाब नहीं देती। नानी बताती है कि दीदी नहीं है।
अप्पू को अत्यधिक बुरा लगता है कि दीदी बिना बताए बिना अप्पू को लिए कैसे चली गई। अप्पू का मासूम मन सोचता है कि यदि दीदी रबड़ की गेंद लाकर देगी तो उसे फेंक देगा। यह भी सोचता है कि अगर गेंद व मिठाई दोनों लाए तब क्या करना चाहिए। बच्चा भोला मानस की तरह वह सोचता रहता है। अप्पू को भी फिर उम्मीद है कि दीदी लौट आएगी। वह नहीं जानता कि मालूम कि शादी के लिए चली गई। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक प्रकार की जो दीदी यानी कि उसकी खुद की माँ होती है, नैतिक संबंध के कारण उसका जन्म होता है। आप गौर कियोंगे कहीं मानो आपका बंटी जो उपन्यास है कुछ इस प्रकार की कथा है, बसरते उसमें पिता जीवित रहते हैं और वह पिता छोड़कर चले जाते हैं अपनी उसकी माँ को, और इसमें उसके पिता के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जाता है। और यह एक ईदगाह कहानी की तरह भी थोड़ा मोड़ा आप देख सकते हैं कि ईदगाह कहानी के अंतर्गत किस तरह से एक बाल बच्चा अपनी दादी के लिए सोचता है और कल्पनाएं करता है, बच्चों के साथ देखता है बच्चे लोग मिठाई खा रहे हैं, तरह तरह के खिलौने खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी वह अपनी दादी अम्मा के बारे में सोचता है ईदगाह कहानी में। कुछ इसी प्रकार की कथा हम इसलिए आलोचना कर रहे हैं आप लोग के समक्ष कि जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कथाओं का, इस प्रकार की कथा और कहीं भारतीय समाज में दिखलाई पड़ता है या पाश्चात्य समाज में दिखलाई पड़ता है क्या, तो आप जब तुलना करते हैं एक दो लाइनों में तो आपका जो परीक्षा उत्तर कुंजी होती है उसका असर उस परीक्षा निर्णायक मंडल के ऊपर पड़ता है। ये बच्चा के पकड़ काफी अच्छा है, विद्यार्थी का पकड़ साहित्य पर काफी बिजोड़ है। इसलिए मैं कहानी का किस प्रकार आपको तुलनात्मक कर रहा हूं कि वहां पे भी यह कहानी ऐसा परिदृश्य दिखलाई पड़ता है जैसे मनु भंडारी आपका हिंदी साहित्य में दिखलाई पड़ेगा, आपका बंटी उपन्यास में भी। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचा गया उपन्यास है, उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक रचा गया कथा जो है, ये जो कहानी दीदी जो मलयालम में है, जो कि भाषाएं अलग अलग है, कथा अलग अलग है, परिवेश अलग अलग है, लेकिन जो मानसिकता है, इससे पूर्व जब हम पढ़ रहे थे अपने अपने शोक गीत के कि जो मनोस्थिति होती है मानव का, सभी का सभी एक जैसा ही होता है, इसीलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं आप लोग। उसके उपरांत हम आगे बढ़ते हैं तो वह मन में पूरा कल्पना करता है कि दीदी आएंगी तो हम ऐसे करेंगे। इस प्रकार से वह ख्वाबी जो ख्याल होता है, कल्पनाएं जो होती है, वह बुनते रहता है। लेकिन वह नहीं जानता कि मालूम शादी के लिए चली गई। उसके बाद हम कहानी की समीक्षा की बात करते हैं कि दीदी कहानी के माध्यम से हम पता कर सकते हैं या पता चलता है कि यदि अनैतिक संबंध के परिणाम स्वरूप अगर संतान का जन्म होता है तो उसमें पुरुष समाज का कोई दोष नहीं समझता, यहां तक कि उसका कोई जिक्र तक नहीं होता। क्यों, मेरा प्रश्न है। दूसरा, समाज के द्वारा दी गई सजा या सारी सजा दोष मात्र स्त्री के लिए क्यों होते हैं, ये भी प्रश्न है। कथा के माध्यम से इसमें एमटी वासुदेव नागर जी बहुत बड़ा प्रश्न करते हैं पाठक वर्गों से, समाज से, देश से। ये जो खताएं हुई
पुरुष और स्त्री दोनों के मध्य हुआ, परंतु एक ही को सहना क्यों पड़ता है? जितना पुरुष अनैतिक संबंध से बनाने से पूर्व है या बनाने के उपरांत है, उतना ही स्त्री दोनों का है, लेकिन एक को ही यह दंश क्यों झेलना पड़ता है? कहीं इसका सीधा सीधा श्रेय कहीं पुरुष समाज तक नहीं जाता है, प्रीत सतात्मक तो नहीं जाता, और उस समाज के ऊपर उंगली तो नहीं उठाया जा रहा, उठाया जा रहा उस पर बड़ा एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, बड़ा मन में एक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, और सारी की सारी जो गलतियां हैं समाज स्त्री के मथे मढ़ दिया जाता है। वहीं पे एक मासूम सा बच्चा जिसका उसमें जरा सा भी दोष नहीं है, हल्का सा तनिक सा भी नहीं, उसका क्या कसूर? उसका बाल अवस्था, उसकी मानसिक अवस्था, उसका संपूर्ण जीवन आकृति बन जाती है। क्यों? अप्पू के माध्यम से यह पता चलता है, यानी कि वो पात्र जो 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके माध्यम से यह पता चलता है कि अप्पू उसके पास अकेला रह जाता है। किसके पास? नानी के पास। और उसके बाद उसके माता पिता दोनों से दूर हो जाता है, अनाथ न होते हुए भी अनाथ जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है उसे। अप्पू के जन्म में उसका क्या कोई दोष है? नहीं, लेकिन जहां उसे अपनी नानी का लाड़ दुलाल मिलना चाहिए, वह उसे गुस्सा का दंश झेलना पड़ता है, क्रोध का दंश झेलना पड़ता है। नानी अप्पू और मालू दोनों को कोसती रहती है, लेकिन अंत में जब मालू की शादी हो जाती है तो अप्पू अकेला रह जाता है, और वह अप्पू को कोसती रहती है, बल्कि खुद ही उसे खाना खिलाती है। इससे पता चलता है कि वह दिल की बुरी नहीं है, लेकिन अप्पू के जन्म के कारण वह खुद अपने बेटे से दूर हो गई, और साथ ही बेटी का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, और जिसका गुस्सा वह न चाहते हुए भी मासूम अप्पू पर उतार देती। इस कहानी में आपको भेदभाव, समाज के जो भेदभाव है, स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। लेकिन यदि स्त्री को, स्त्री ने गलत कर दिया तो उसे सजा दी जाती है, यदि पुरुष ने गलत किया तो उसका कोई जिक्र कोई नहीं करता। परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है, एक ही बात है कि आधुनिक समाज होने के बाद स्त्री व पुरुष को देखने का पैमाना अलग अलग होता है। क्यों? कहानी का निष्कर्ष के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इस कहानी में अप्पू के पिता का जिक्र नहीं किया गया है, और लेकिन आज भी अप्पू की जो स्थिति है उसके वह भी मालू के बराबर जिम्मेदारी या अपराधी। बच्चा का कोई दोष नहीं है, उसके बावजूद भी वो बराबर के जिम्मेदार है। इस कहानी में समाज भेदभाव से पूर्ण दृष्टि का पता चलता है, और साथ ही महिलाओं को जो सीख भी मिलती है वह कि किसी भी पुरुष पर अंधविश्वास न करें। यदि मालूम जैसा विश्वास को स्त्री करती है, मालूम जैसा, तो मुमकिन है इसका भुक्तभोग अप्पू जैसा मासूम उम्र भर कर रहेगा। इस कहानी का यही निष्कर्ष था, लेकिन एक मन में बहुत ज्यादा
उत्पीड़न है कि आखिर एक बच्चा का क्या दोष। बहरहाल इसमें आप जीवन त्रासदी के देख सकते हैं, दीदी के किस तरह से एक अनैतिक संबंध के बारे में, और हाँ यहाँ तक कि प्रेमचंद जी ने भी अनैतिक संबंध के बारे में, अवैध संबंध के बारे में बताते हैं, जिसको लिव एंड रिलेशनशिप के बारे में आज जानते हैं नाम से, और जो कोर्ट ने भी इसका अप्रूवल दिया है उसका जिक्र गोदान उपन्यास में किए हैं प्रेमचंद जी ने। और दीदी कहानी के माध्यम से आपका एमटी जी ने आपका यहाँ पे, जो कि मलयालम कहानी है, जो स्वीकार नहीं किया गया उसमें, तो प्रेमचंद जी के कथा में स्वीकार कर लिया गया है बसरते, लेकिन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया। जो गोबर की जो पत्नी होती है वो भी उनके, उनका भी शादी नहीं होता है, पहले अवैतिक संबंध अनैतिक संबंध ही बनता है, और जब गर्भवती हो जाती है तो गोबर जो है पात्र जो भाग जाता है। तो ये बड़ा मानव का दुर्भाग्य कह सकते हैं, स्त्री का दुर्भाग्य कह सकते हैं। कारण क्या है कि यह जो पृथ्वी सतात्मक जो देश है हमारा भारत, पुरुष समाज जो भारत देश है, उसमें सारी की सारी जो गलतियां हैं वह पुरुष के मत्थे नहीं स्त्री के मत्थे मर दिया जाता है। अब इसका सीधा साधा उदाहरण आप दीदी की कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। बहरहाल उसके बाद एक दूसरी कहानी की ओर हम बढ़ेंगे, उसके कहानी का नाम है विद्रोही। विद्रोही कहानी के बारे में चर्चा करने से पूर्व यह कहानी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि जो विद्रोही के रचनाकार है, रचयिता है, वो बाबूराव बाबुल है, जो कि मूलतः मराठी भाषा के रचयिता हैं, जो कि वह उनके बारे में, व्यक्तिगत के बारे में उनका थोड़ा सा बताते हैं कि 1963 में बाबा साहेब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के रूपांतरण से पैदा हुए एक नए आदमी के सिर्फ 7 साल बाद आध्यात्मिक लोकतंत्र यानी कि काचा इलिया सेफर के शब्द का उपयोग करने के लिए किया गया, और सामाजिक समानता के लिए एक वृत्ति का ऐतिहासिक अर्थ प्राप्त हुआ, और सामाजिक समानता के लिए एक ऐतिहासिक अर्थ प्राप्त हुआ जिसके बागुल ने अपना पहला प्रकाशन किया, जो कि लघु कहानी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग शायद? आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। समझ में आ रहा है कथा आप सभी को? जी सर। चलिए कुछ ये जो 3 कहानियां हम लोगों ने समाप्त किया, क्योंकि सारांश रूप में की कथा बहुत लंबी है और समय भी हम लोग के पास अमूमन बहुत कम होता है, और 4 दिनों में इतनी लंबी लंबी कथाएं समाप्त नहीं हो पाएंगी, तो सारांश और कथा का जो मूल संवेदनाएं हैं उसी पे मैं बातचीत कर रहा हूं। और लेकिन आप लोग जो 10 कहानियों के बारे में हम शुरू में चर्चा किए उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, कारण यह है कि उसके कोई भी पार्ट को उठाकर दे देगा आपको व्याख्या खंड के लिए। उसका नमूना अभी अगर समय मिलेगा तो अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको व्याख्या खंड पूछा जा सकता है किसी भी, मतलब जैसे 10 कथा आपका है, उस 10 कथा में कोई भी पार्ट से किसी भी बीच से संवाद को उठा लेगा, बोले इसका व्याख्या कीजिए, तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो बागुल ने पहला जो प्रकाशन किया लघु कहानी संग्रह, जो जिह्वा में जात चुरवारी मराठी में है, जिसका अब अंग्रेजी में When I Hid My Caste के रूप में अनुवाद किया गया,
उसके उपरांत औपनिवेशिक दबन के तहत एक युवा विचारों की धारा का वर्णन किए हैं यह, और उत्पीड़न के लिए एक घृणित स्थिति है जो कि औपनिवेशीकरण और सार्वजनिक कानून के माध्यम से संचालित होता है। हालांकि यह भावनात्मक जो रूप है इसमें बहुत ही दुनिया की जो व्यवस्था है उसके बारे में बखूबी बारीकी से चित्रण करते हैं। चलिए अब मूल रूप में कथा के ऊपर हम चर्चा करते हैं। दस कहानियों में से एक विद्रोही जो है, विद्रोह कहानी विशेष पढ़ने की मांग करता है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान और भविष्य को दर्शाया गया है। इस कहानी में एक ऐसे दलित की कालजयी कथा है, उसका रचना अवध इस प्रकार करते हैं कि मानो तीनों रूपों को, अतीत वर्तमान और भविष्य को, बहुत बारीक ढंग से चित्रण करते हुए बागुल साहब यहां दिखलाई पड़ते हैं। जैसे इसमें एक ऐसे दलित की कालजयी कथा है जिसमें एक दुनिया दूसरी दुनिया में स्थानांतरीकरण के कारण या होने का संवाद जो होता है जिसको कहते हैं नौ अवशोषित किया, और उत्पीड़न से लेकर खुद को मुखर, शक्तिशाली और खुद का निर्माण या निर्माता महसूस करने तक मन का जीवन है। विद्रोही एक भंगी पिता के बेटे जय के विद्रोह की कहानी है। इसमें जो पात्र है भंगी, आपको शायद पता होगा, किसी प्रकार के एक दलित आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, वो भी भंगी जाति पर ही कथा रचना बुना गया है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने खुद अपनी आत्मकथा जूठन में इसका जिक्र करते हैं। और वही भंगी यहाँ पे, वो भंगी वहां के थे आपका हरियाणा साइड के, और यह जो कथा है वह महाराष्ट्र की कथा है, मराठी लैंग्वेज की कथा है, भाषा की कथा है। विद्रोही एक भंगी पिता के बेटे जय की विद्रोही की कहानी है। जो भंगी के रूप में काम करता था उसे भांगी कहा जाता था, और वह भंगी के रूप में रहता भी था। यह एक दलित व्यक्ति की कहानी है जो किताबों, शब्दों और फिर अवचेतन जगत में घटने वाली व्यक्ति की कहानी है, और उसके जो भावनाएं हैं या भावनात्मक रूप है इसका उथल पुथल अस्त व्यस्त संपर्क में आता है। कारण किताबें या किताब उसे एक भविष्य प्रदान करती है जिसमें वह स्वतंत्र है, लेकिन उसके पिता, किताबों उसे एक भविष्य प्रदान करता है लेकिन उसके पिता वंचित अतीत का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं, जिससे उनके उसके बचने के लिए मुश्किल है, यानी बचना उसको बहुत मुश्किल है। कारण कि वर्तमान में जो जय है, जय के माता पिता ने उसकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी थी, युवा अवस्था में आने से पहले ही मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान अपनी पत्नी की ओर कम देखता था, उसके मन में अभी भी उसके प्रति जो रोमांटिक भावनाएं हैं, जो यह आकर्षण है होना चाहिए बाकी है, या विकसित होना बाकी है कह सकते हैं आप इस रूप में। इसका कारण उसके भीतर की भावनात्मक उथल पुथल।
जो उस अतीत से अलग होने की चिंता के कारण, जिसका उससे हिस्सा बनाया जा रहा है, भांगी होने का अतीत, यानी भांगी का बेटा। आपको शायद यह इल्म होगी कि जब भी छोटी जातियां, जो हमारे भारतीय समाज की जो स्थिति है, चित्रवृत्ति है, भारतीय समाज में आप देखेंगे, आए दिन आपको देखने को मिलेगा अमूमन अब भी, कि छोटी जातियों के लोगों को नामों से संबोधित नहीं किया जाता, उनके जातियों से संबोधित किया जाता है। तो वही अतीत यह कह रहा है कि अपने शादी होने के उपरांत भी, मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान, अपनी पत्नी की तरफ जो पत्नी और पति का जो खट्टी मीठी जो संस्कार होता है, उससे वो वंचित है। क्यों वंचित है? क्योंकि उसका अतीत उसको उसके साये में घिरा हुआ रहता है, क्योंकि वह आज भी यह अतीत की कहता है कि भांगी का बेटा, ये बहुत बड़ा त्रासदी है उसके लिए, घनघोर त्रासदी, जिसका मानो कि अथक प्रयास के उपरांत भी, मानो का अथक प्रयास का मतलब मैं भगत सिंह की बात कर रहा हूं, भगत सिंह ने यही बात 23 वर्ष की उम्र में समझ चुके थे, इसीलिए सबसे पहले अपना वह पग काटे थे, यानी कि अपना जो उनका बाल था, क्योंकि वह सिख जाति के थे और सिख में बाल रखने की प्रथा है, जिस तरह हमारे माताएं बहनें हमारे समाज में, भारतीय समाज में रखा करती हैं बाल, तो उसी तरह सिख भी पगड़ी बांधते हैं और वो बालों को सजीव कर रहते हैं, सहज कर, सहेज कर। और वही कहीं ना कहीं वह मानते थे कि हम आजादी चाहे तो कब का दिला दे, लेकिन किस आधार पर? कि भारत आज समाज में हर वर्ग में बटा हुआ है, लिंग के आधार पर तो जाति के आधार पर तो वर्ग के आधार पर। इसीलिए यह जो जय है, जय नाम का पात्र इस कथा में, विद्रोही कथा में, वह अपने अतीत से कभी रूबरू नहीं हो पाता है, भूल नहीं पाता है। भांगी का बेटा उसके मन में, मगज में चलते रहता है। यही वह कारण है कि अपनी पत्नी से वह मीठी बातें भी करना दुर्लभ है उसके लिए। बहरहाल उसे अपने चारों ओर गरीबी, गंदगी और कलंक की वस्तुगत स्थितियां घृणित लगती, और उन किताबों के विपरीत जो वह पढ़ता है, उसे उसका उज्जवल भविष्य दिखलाई पड़ता है। अब यही वह भावनात्मक रूप है जो हिंसक व्यक्ति बन जाता है। जैसा कि बागुल कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो अपने पिता पर जानवर की तरह गुर्राह कर सकता है, और जब वह मृत्यु शया पर पड़ा हो, एक आदमी जो अपने जीवन में गरीबी और अभाव को नजरअंदाज कर सकता है, एक आदमी जो शारीरिक रूप से पुरुष होते हुए भी अपनी पत्नी की तरफ नजर फेर कर नहीं देखता, कारण क्या है इसका? वह अपने जो कलंक है उसको वह मिटाना चाहता है। वह जो नाम शब्द का, यही हूबहू सेम स्टोरी आपको जूठन आत्मकथा में मिलेगी। वाल्मीकि साहब इसलिए पढ़ते थे, उनका पिता इसलिए छोटन नाम का, उनका पिता का नाम था छोटन, इसलिए पढ़ाते थे अपने पुत्र को कि जाति का जो लेबल लगा हुआ है उनके पीछे, वह धूमिल हो जाए, वह मिट जाए। लेकिन उन्हें क्या पता। बहरहाल हाँ, यह जय जो है, हम कथा वस्तु पर आते हैं, यही जो जय है, खुद को अपने पत्नी को उन परिस्थितियों के शिकार के रूप में देखता है जो मूलतः जाति द्वारा निर्मित है,
वह अपनी पत्नी की तरह शक्तिहीन है, लेकिन उसके पास किताबें हैं, उसकी पत्नी के पास नहीं है। इसलिए वह वास्तविकता को की खोज के करीब है। यहाँ पे एक रचनाकार कहते हैं, फेरन कहते हैं कि मूल निवासी वास्तविकता की खोज करता है, मूल निवासी वास्तविकता की खोज करता है और अपने रीति रिवाज के पैटर्न में, यानी कि रीति रिवाज का जो परंपरा है, पैटर्न का मतलब वह हुआ परंपरा है, उसमें वह रमा रहता है। जो आज परंपरा से हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि आप देखते होंगे कि आए दिन हर जगह देवी पूजा के नाम पर तो कोई पूजा के नाम पर बलि दिया जाता है, कुर्बानी दिया जाता है, इबादत के नाम पर। तो इबादत का मतलब कोई भी इबादत हो सकता है, चाहे वह कोई भी धर्म हो, उसके नाम पर उसको एक निर्जीव प्राणी की हत्या, निर्मल हत्या किया जाता है। वही रीति रिवाज जो परंपराओं को हम लोग ढोक के चल रहे हैं, सदियों से जो चला आ रहा है, वह आज एक रूढ़ बन चुका है। किसी बेजुबान जीव जंतु का अगर हम बलि की प्रथा मानते हुए उसका बलिदान करते हैं, परित्याग करते हैं, तो क्या ईश्वर, देवी देवता क्या उन पे खुश हो जाएंगे? यह जो धारणाएं हैं, जो परंपरा है, आप फिल्मों में भी देखे होंगे, ये सब देखे होंगे कि फिल्मों में पहले बलि देने की प्रथाएं थी, धीरे धीरे फिल्मों में भी बलि देने की प्रथाएं हटने लगी, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये रूढ़ है, अंधविश्वास है। बहरहाल, तो वही पर्यटन, वही रीति रिवाज, वही परंपरा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हिंसा के अभ्यास में स्वतंत्रता के लिए अपनी योजना में बदल देता है। योजना, जो जो भी आप प्रथा चला रहे हो, जो भी आप जीव जंतु की बलि प्रदान कर रहे हैं ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, या अन्य जो अदित्वीय शक्ति है उसके नाम पर, उसका स्वाद कौन लेता है? मनुष्य, मानव, उसको भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है? मानव, प्रसाद के रूप में कह लीजिए, भोजन के रूप में कह लीजिए, कोई भी रूप ले लीजिए आप, जो समाज में व्यवस्थित बना हुआ है रूप, वही चीज यहाँ पे कहते हैं कि हिंसा के अभ्यास में स्वतंत्रता के लिए अपनी योजना में बदल देता है। लेकिन यहां हिंसा का चलन बाहर या दूसरे इंसानों के साथ नहीं है, यह मुख्य रूप से उस प्रगति या प्रतिगामी सोच के खिलाफ है जिसे जाति व्यवस्था द्वारा निर्मित किया गया है या उस व्यक्ति को आंतरिक रूप से बना दिया गया है, मतलब अंदर अंतरिक भीतरी सतह से। पिछले कुछ वर्षों में जय हालांकि एक वह एक घर में ही रहता था, लेकिन अलग अलग या अलग थलग और अलग हो गया था, इसलिए उसने अपना सिर अपने पिता की छाती पर रख दिया और खुद को प्यार किए जाने की भावना का आनंद लेने दिया। यह भावनात्मक हिंसा उसे अपने अतीत के अलग अलग या अलग थलग कर देती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अंदर से भावनात्मक हिंसा या घृणा महसूस होने लगता है उसे, क्योंकि यह उसे फिर से अपने अतीत का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर करती है, जैसे उसके पिता ने किया था। इस अर्थ में अपने पिता से नफरत नहीं करता था और ना ही उसे खुद उसे अलग कर किया था। उसे नफरत है कि उसके पिता जाति का शिकार थे और उसका विरोध करने में असमर्थ थे। दिलचस्पी यह बात है कि जय को अपने अकेलेपन का भी एहसास है कि वह प्यार किए जाने की भावना से अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वे भावनाएं जो उसे अनुभव की थी अपने पिता की छाती पर या अपना सिर रख
रखा था, वह अनोखी भावनात्मक स्थिति जो थी वह जाति व्यवस्था की देन है। न तो जय अपने अतीत को पूरी तरह से अपना सकता है और न ही खुद को पूरी तरह से अलग कर सकता है। यह जाति व्यवस्था पीड़ितों के जाति परिसर और फैलाने बनते हैं। इसलिए औपनिवेशीकरण की समस्या में न केवल ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ स्थितियों का प्रतिच्छेदन शामिल है, बल्कि इन स्थितियों के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण शामिल भी है। यहां एक भंगी के परिवार में जन्मा जो जाति और महात्मा द्वारा दिया गया अमानवीय पेशों को उचित ठहराया गया था कि जय अपनी मां से भी नफरत करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसे भंगी होने के लिए कलंकित होते देखा, वह अपने माता पिता का पुरजोर विरोध करता है, जो अपनी गरीबी के कारण उसे अपने काम के लिए प्रेरित करते। हालांकि इसमें देखा जाए तो ब्राह्मणीकरण में जो औपनिवेशीकरण की कहीं ना कहीं अधिक भयावह है। जब जय अपनी गरीबी से त्रस्त परिवार की खातिर भंगी के रूप में काम करने के लिए राजी किया जाता है तो उसका रवैया जो है केवल हिंसक हो जाता है। वह उस संपूर्ण व्यवस्था से पूछताछ करता है जो मुख्य रूप से उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाने के लिए जिम्मेदार है जो उसके मन या जीवन का पालन करने के लिए अपनी जो आकांक्षाएं हैं, आकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पीएचडी हासिल करने के लिए जब भी बात होती है इस तरह की बात, जय वेट्स जी कहते हैं एक बारे में, जय वेट्स जी, कि यह किस तरह की संस्कृति है। जब भारत में वो शोध कर रहे होते हैं और वह बताते हैं इस संदर्भ में कि यह किस तरह का संस्कृति है जहां एक आदमी उस मां के साथ अपमानजनक व्यवहार कर सकता है जिसे उसने जीवन दिया, इसलिए कि वह भंगी का काम करती है, जहां वह उसका सारा अपमान कर सकता है, उसके द्वारा बनाए गए भोजन को खाने से इनकार कर सकता है। यदि यह संस्कृति अप्रसन्नता पैदा नहीं की जा सकती है तो गरीब वृद्धा मां को मुख्य उत्पीड़न नहीं होता। जब जय ने यह सवाल उठाया कि उसे खुद ने उत्पीड़न का एहसास हुआ, एक खुलासा करने वाला क्षण है। क्योंकि इस एहसान के बाद अपने माता पिता के लिए उसकी भावनाएं परिपक्व हो जाती। अब वो अपने और अपने सपनों में परे देख सकता है, लेकिन यह भी जानता है कि भंगी का काम करने से एक आदमी के रूप में उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी। जय में बलिदान देने की क्षमता विकसित होती है, लेकिन क्या उसकी स्वतंत्रता कीमत पर आती है? क्या प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहा, क्यों आखिर ऐसा क्यों है? हाँ, अब वह अलग बात है कि जब पिता का काम करने के लिए सहमत हो गया है, शौचालय साफ करने लगा है, सड़कों की सफाई करने लगा है, टीन के बर्तन में मानव मल का निपटाना शुरू कर देता है, तो उसके पहले दिन उसके पर्यवेक्षण के उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि पर मजाक उड़ाते हुए उसे भंगी कहा। मतलब जो व्यक्ति
उसके मन में इसलिए विद्रोह है कि जो व्यक्ति अपने मैट्रिक का अध्ययन करने के दौरान उसकी जो शादी हो जाती है और पत्नी की तरफ आकर्षित भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं देता, जो पुरुष उसके बावजूद भी पढ़ने के बाद भी वह उस जाति से संबोधित किया जा रहा है, इसलिए वह अपमान का जहर समझ लेता है, वह पी भी लेता है। उसे मानव का मल टीन के बर्तन में उठाने का आदेश दिया गया, अदृष्टि मात्र से ही उसे घृणा हो जाती, फिर भी वह अकल्पना घटित होती है उसके लिए। इसी प्रकार जिस प्रकार जय की स्थिति है, उसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्थिति उसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्थिति जो है आपका जूठन आत्मकथा में, जब एक गौ मर जाती है, एक जानवर का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु के उपरांत जो उसके स्किन निकाल कर उसके चाचा उसको बोलते हैं कि चलो, उसके चाचा स्किन निकाल देते हैं, वो स्किन से तपता हुआ खून का रेशा जब गठरी सर पे लेते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, सोचिए उसकी क्या स्थिति रहती होगी। वही संवेदना कहीं ना कहीं ये विद्रोही कहानी में, जो मराठी कहानी है, उसमें आपको दिखलाई पड़ेगी। अब अपमान का जहर पीने के बाद मानव मल को टीन के बर्तन में उठाने का आदेश दिया गया, और दृष्टि मात्र उसे घृणा हो जाती है, फिर भी अकल्पना घटित होती, और उसके सिर पर मानव गंदगी से भरा एक टीन का बर्तन उसे जल्दी करने के लिए कहा जाता है। आगे लेखक बागुल लिखते हैं कि इस अंधी जल्दबाजी का मतलब है कि टीन हिला गया और बिखर गया, सारा सामान उस पर फैल गया गलल गलल, जिस तरह एक आदमी जब पता चलता है कि एक सांप उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है और उसे काट लिया है, तो वह पीड़ा से चीख उठता है, जय चिल्ला गया। और ए इस प्रकार से जब वह मैला ढो रहा था तो उसके ध्यान उसकी मां ने छीन लिया, और जो बीमार पड़ गई थी वह चिल्लाता रहा, उसकी ओर दौड़ता है और शरीर पर मल का छींटा बहता है, उसके गंध से उसके जीवन की प्रति घृणा महसूस करती है, कराती है। वह उसके पास पहुंचता है, लेकिन वह जिद करती है कि उसके द्वारा फेंके गए टीन के बर्तन को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वह चाहती है कि वह अपने पहले दिन ठीक से काम करे, लेकिन वह नहीं कर सका। और चिल्लाता हुआ उसे अपनी मां से दूर रहने के लिए टीन का बर्तन उठाने और मल मूत्र का निपटाने करने का आदेश देता है। उसकी घृणा के जय की नजरों में विद्रोह, घृणा का भय चल रहा होता है, उसके भीतर उभरने लगता है, इसलिए उसे टीन लिया और उसे जहां जाना था फेंक दिया, और फिर कार्टन ने दोनों हाथों में पकड़ लिया। इस लड़ाई में जय कार्टन को पीट पीट कर, यानी कि टीना को पीट पीट कर मार डाला, यानी कार्टन एक पात्र, एक व्यक्ति जिसे प्रोफेसर बनने का सपना देखा, वो हत्यारा बन गया। लेकिन वह अपने गुस्से और क्रोध उससे जो किया वह उसे पूरी तरह से वाकिफ है। वो अपनी माँ के पास पहुंचता है, उसे सजा की गुहार लगता है, और वो अपनी मां से न्याय चाहता है, क्यों जय उसे भंगी बनने के लिए सपने को जोखिम में डालता है। अब एक हत्यारे के रूप में भी वह स्वतंत्र है, उनकी आजादी का रास्ता हिंसा से होकर गुजरता है या गुजरा। वह अब ब्राह्मणीकरण से मुक्त हो चुका है, क्योंकि जैसा कि फैनन कहते हैं कि इस परिवर्तन का असाधारण महत्व यह है कि यह इच्छा अनुसार
मांगा गया या मांगा है। इस परिवर्तन की आवश्यकता अपनी कच्ची अवस्था में तीव्र मनमोहक या समान मोहक रूप में चेतना और औपनिवेशिक पुरुषों और महिलाओं के जीवन में मौजूद उसकी मुलाकात हिंसा से हुई थी। और जय के मामले में हम हिंसा जानबूझकर नहीं की गई थी, बल्कि मनुष्यों के बीच किसी को हमेशा हीन और गंदा मानने की ब्राह्मणवादी आचार संहिता द्वारा फैलाए गए या पैदा की गई मांग थी। जिस आजादी की तलाश में जय ने एक समय किताबों के माध्यम से की थी, वह स्थिति में हिंसा के बिना शायद संभव थी, उसे भी धकेल दिया गया था। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। आप ओम प्रकाश वाल्मीकि कथा से जुड़िएगा और उसका तुलना कीजिएगा कि स्थिति क्या होती है जब एक अवस्था से गुजरना पड़ता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरी कहानी की ओर। इसके बाद हम देखते हैं एक कहानी है जो आपके बारे में हम चर्चा उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस कहानी का खासियत यह है, इसमें जो आपके कहानी जो ये देखिए आपका चिंता या चिता जिसको कह सकते हैं आप, जो कि आपके बारे में एक रघुवीर चौधरी की कहानी है, दीदी कहानी आपका हो गया, आपका कौन कौन सा कहानी हो गया, तो वाटेक सिंह, अपने अपने मोह शोक गीत, दीदी, विद्रोही, है ना, एक दो तीन चार, चार कहानियां आज हम लोगों ने किया। इसके उपरांत हम आगे एक कहानी आप जो कहानी पढ़ लीजिएगा आपको बताते हैं। एक चिता कहानी पढ़ लीजिएगा, लड़की जिसकी हत्या मैंने की, ट्रेडिल, प्राणधारा, ये जो चार कहानियां आओ बघे, ये जो पांच कहानी है कल आप अध्ययन कर लीजिएगा, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके उपरांत अभी हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न देखते हैं। और लड़की जिसकी हत्या मैंने की थी वो कहानी आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत मार्मिक कहानी है, ठीक है, इसको बारे में अध्ययन कर लीजिएगा। चलिए, तो उसके बारे में हम MHT 12 के कुछ प्रश्न आपको रखते हैं। इच्छा है आप लोगों का इसके बारे में, या फिर हम कथा के बारे में चर्चा करें? आवाज आ रही है आप सबको? आवाज आ रही है आप सबको? जी सर। इसके बारे में प्रश्न उत्तर के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाए? जी सर बिल्कुल। चलिए, ये सर। हाँ, भूतपूर्व प्रश्न है जो कि व्याख्या खंड से है, जो कि हमने बताया कि 10 कहानियों से व्याख्या खंड पूछे जाते हैं अधिकांशतः। किस प्रकार से व्याख्या पूछे जाएंगे? जैसे एक व्याख्या खंड उठाते हैं हम कि अप्पू ताड़ के पेड़ों के पत्ते बनाकर छाता कंधे पर रखकर उसके रंगीन डंडी पर थैली लटकाए आंगन से चल पड़ा, फाटक पार कर फिसल कर गिरने को हुआ, लेकिन गिरा नहीं, मुड़कर देखा रुआसा हो गया था। और उसके उपरांत मुड़कर देखा रुआसा हो गया, लेकिन उसके सारे शरीर में जल रही थी, विद्रोह की आग से आंसू जल रहे थे, आंखों के दरवाजे विद्रोह के धर्म में। इस प्रकार से आपको कहा था, ये जो प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपको, ये पूछा जाएगा कि अप्पू के ताड़ के पेड़ों के पत्ते बनाकर, यानी कि
ये जो कहानी है दीदी, उस कहानी में कहीं से भी एक पार्ट पूछा जाएगा आपका, कहीं से भी आपको एक पार्ट का अंश जो है पूछा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि किस तरह से कथा का एक छोटा सा पात्र यानी छोटा सा कहानी का संवाद रख दिया जाएगा और आपसे व्याख्या खंड किया जाएगा। उसके उपरांत है दूसरा कि उसी का पूरा पूरा व्याख्या पढ़ते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं, वो सारे के दरवाजे सहारे दीदी ने उसे एकटक देख रही थी, वो डराने वाली आंखों से कैसे मिली, उसे मुड़कर देखा तो दीदी कछुए की तरह सिर अंदर नीचे खींच ली, दीदी भी कैसी पगली है। ये पूरा आपका व्याख्या खंड है जो कि 10 नंबर का होता है और इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 4 में से 2 करना होता है व्याख्या। उसके उपरांत अगला प्रश्न देखते हैं, हालांकि ये कहानी हम पूरा पढ़े नहीं है इसलिए फिर भी बता दे रहे हैं कि लड़की कहानी या लड़की लड़की जिसकी मैंने हत्या की, कहानी के आधार पर लेखक का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। लेखक क्या कहना चाह रहा है कहानी के माध्यम से या इस रचना के माध्यम से, उसकी कथा नहीं लिखना है, कथा सार नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको लिखना है उसका विचार क्या है, वो इस कथा के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहा है। उसके उपरांत है बघेई कहानी में व्यक्त आदिवासी जनजीवन पर प्रकाश डालिए, यानी कि एक कथा के माध्यम से ये आदिवासी पूरे समुदाय के बारे में जो जनचेतना है, जो जनमानस है, उनकी क्या जीवन व्यवस्था है, उसके बारे में बखूबी आपको जिक्र करना है। उसके उपरांत है एक और प्रश्न है, ये लॉन्ग प्रश्न है, व्याख्या खंड इस प्रकार से आएगा, लॉन्ग प्रश्न यानी 10 मार्क्स का यह प्रश्न है। उसके बाद एक और है मीना कांकोडर की कहानी जो है उड़ रे चुरंगर मेरे की संवेदना और शिल्प पर विचार कीजिए। देखिए इस कहानी में संवेदना शिल्प की बात करते हैं, तो संवेदना शिल्प की बात करते हैं तो संवेदना शिल्प उस कहानी की बात हो रही है, कहाँ पे मानव संवेदना पर प्रकाश डाला गया उस कहानी में, क्या मतलब उसका अंश कहाँ पे मूल संवेदना है कथा के माध्यम से या भाषा के आधार पर या मानव मूल्यों के आधार पर, उसके बारे में वहां पे जिक्र करना है, यह कथा सारांश नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। जहां पे उस कहानी में जो 10-12 पेज का, जो 10 पेज का या 6 पेज का जो कथा है, उस पेज के अंतर्गत उस संवेदना शिल्प यानी शिल्प मतलब क्या रचना है, किस प्रकार की रचना है, कैसा उसने कथा या कथा का इजाद किया है, कैसे उसका संवाद क्या है, भाषा शैली क्या है, तो इसके ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और है अपना अपना कर्ज मानव मन की परतों को, यानी अपना अपना कर्ज जो है कौन सी कहानी है, पंजाबी कहानी है। अब पंजाबी कहानी मानव के मन यानी कि एक मनुष्य का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है और वह चंचल के अंतर्गत जो उनके अंतर्गत मूल संवेदनाएं हैं मानव का उसको स्पष्ट करना है। उसके उपरांत है तमिल कहानी, उसमें रचनाकार का स्थान निर्धारित करना है, तमिल कहानी में डी जयंतकन का स्थान निर्धारित करना है। तमिल कहानी कौन सी कहानी है, आप लोग स्टार्टिंग में ही चर्चा किए थे हम, रेडी ट्रेडिल, हाँ बिल्कुल, उसमें उस लेखक जो है वह स्थान को निर्धारित, वह मतलब उस कथा के माध्यम से उसमें लेखक क्या भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में आपको बखूबी चर्चा करना है, विस्तृत रूप से चर्चा करना है, कम से कम 3 से 4 पेजों में आपको चर्चा करना होगा, 5 पेजों में, कि उस जो डी जयंत कानन है, कांतन है, जो उनका क्या है, उनका स्थान,
किस स्थान पर वह विराजमान है उसमें और क्यों है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आज बात करेंगे हम टिप्पणी के बारे में, कुछ कुछ टिप्पणियां, जैसे चीता, चीता कहानी में प्रयोगशीलता। अब चीता कहानी प्रयोगशीलता क्या है? चीता कहानी प्रयोगशीलता, प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। क्योंकि कारण यह है कि प्रयोगशीलता का मतलब क्या है, एक कथा है राजे महाराजे का, जो आपको जब अब इससे पूर्व कक्षा करा रहे थे उसके अंतर्गत हमने बताया था कि कथा जब नाना नानी जो कथा सुनाया करते थे, दादा दादी जो कथा सुनाते थे हम लोग को, किस्सा, किस्सागो जिसको हम कह सकते हैं अपनी देशज भाषा में, आप गौर किए होंगे कि उस समय एक ऐसे ही राजा मिथक जो कथा थी हमने सुना था कुछ साल पहले, कि एक राजा मरने से पूर्व उसका यह इच्छा था कि चंदन की लकड़ी के साथ वह जले। अब चंदन का रेट आप जान ही रहे हैं, वो पहले से ही सब कुछ मूल्य निर्धारित कर कर खरीद कर रख चला जाता है। तो यह प्रयोगशीलता और वह राजा का पूरा प्रयोग के रूप में कि हम ऐसे जलेंगे, या जो मारी मारी जो पार्थिव शरीर होगी वह इस प्रकार से, मतलब बड़कपन, अपने आप को बड़कपन शो करना, एक महाराजा का, प्रजा का बारे में नहीं सोचना, उस समय का अपना उनको मृत्यु के बाद के बारे में सोचना, ये कैसी जिजीविषा थी। ये मिथक कहानियों में ही सही है, यानी यथार्थ जीवन में यह संभव नहीं है। अमूमन हम आपके लोग, हम आप अमन लोग या जन साधारण लोग, मध्यम लोग, जीवित रहते हुए उनके अब उनका भरण पोषण करना दुर्लभ होता है, तो मरने के उपरांत क्या होगा, किस अवस्था में होगा, कौन जानता है। तो वो प्रयोगशीलता चीता के बारे में, वही प्रयोगशीलता कहानी का प्रयोग करते, लेखक का मूल जो यथार्थ चित्रण है उसको दिखाना है। उसके बाद पांच पात्र, पांच पात्र किस भाषा में लिखी गई कथा है? मैथिली भाषा में लिखी हुई कथा है। उस कहानी का जीवन दर्शन, जीवन दर्शन यानी फिलोसफी यानी दर्शन से बात करते हैं। और पांच पत्र में यानी पांच पत्र जो है कहानी के माध्यम से जीवन के यथार्थ नग्न को चित्रण करने का काम, दार्शनिक मतलब रहस्यों तक घुसने का काम, जीवन में जो हम इसके माध्यम से देखे अपने अपने शोक गीत, जो एक अवस्था में आप सारी उम्र आपने क्या किया, दूसरों के लिए जिया, उसके बाद अलग अलग भागों में बांट दिया, कभी फीस के नाम पर, तो कभी शादी के नाम पर, तो कभी बच्चों के नाम पर, तो कभी घर के नाम पर, तो कभी घूमने के नाम पर, तो कभी बीमारी के नाम पर, आपसे सिर्फ लिया गया, दिया कुछ नहीं गया। हर व्यक्ति की बात कर, अभिनय कर रहे हैं यहाँ पे, और वही चीज यहाँ पे जीवन का दर्शन पांच तत्व कहानी पत्र कहानी के माध्यम से आपको दिखाना पड़ेगा, किस तरह से लेखक मैथिली के रचनाकार जो मैथिली भाषा में लिखा गया है दिखलाते हैं। उसके बाद एक टिप्पणी आ जाएगा, मान लीजिए शहादत हंसन मंटो जी का साहित्यिक परिचय दीजिए, या इस प्रकार से भी आ सकता है कि शहादत हसन मंटो के रचना साहित्य पर बात कीजिए, टिप्पणी कीजिए संक्षिप्त रूप में। तो शहादत हसन मंटो के बारे में आपको पहले बता भी चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है अमूमन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि वह मंटो
मूलतः उर्दू में रचनाएं लिखा करते थे। अफसानाएं जितने भी उन्होंने लिखे वो सभी के सभी समाज के ऐसे पात्र थे जो आज पुरुष या आज भारतीय समाज हो या पूरे संसार का समाज हो, कोई भी समाज, उसमें वो समाज से अपरिचित पात्र को उठाया करते थे, जो समाज में उसको स्थान नहीं हुआ करता था, जो समाज में उसका महत्व ही नहीं होता था, उस पात्र से रूबरू कराए। और इसके लिए अफसाना लिखने के लिए वो हमेशा जेलखाना तहखाना में गए, और इसके लिए उनको मलाल भी नहीं थी। इसके बारे में हम बताए भी कि आप एक कहानी है ठंडा गोश पढ़िएगा, कोई भी ऐसा मानव संवेदना न होगी कि उसके आंखों से आंसू की धाराएं नहीं बहेगी, ये संभव ही नहीं हो पाएगा, असंभव लगेगा। कारण कि इसी आधार पर एक कथा, एक फिल्म भी बनी है जो कि एक डॉक्टर और एक, मतलब एक किस प्रकार से पात्र गढ़े गए हैं, पूरा इसके बारे में बारीकी से बताना अभी समय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बताते हैं कि ठंडा गोश के माध्यम से एक ऐसे समाज, हैवानियत समाज का, हैवानियत पात्र का जीवित सजीवित करते हैं। कि एक मरी हुई स्त्री के साथ उसके साथ बदसुलूकी करता है, बाकी पूरा इसको अध्ययन के बारे में समझाएंगे, आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि एक मरी हुई स्त्री है और उसके साथ एक पुरुष किस तरह से संबंध स्थापित करता है। अब यह इसलिए लिखे हैं, अब यह यथार्थ नहीं है, कल्पना नहीं है, यह पूर्ण रूप से यथार्थ है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उस समय यथार्थ नग्न सत्यों को मंटो साहब ने दिखाने का प्रयत्न किया। और इससे भी बड़ा सशक्त उदाहरण देख सकते हैं, शहादत हसन मंटो का एक फिल्म बनी हुई है, आप देखिएगा तो उससे अमूमन पता अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किस प्रकार का फिल्म बना था, अब एक किस प्रकार के लेखक थे, रचनाकार थे, अब देखिएगा। हालांकि मुसलमान समुदाय में शराब जो है हराम माना जाता है, लेकिन मंटो साहब एक पात्र के रूप में कहते हैं, करेक्टर के रूप में थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जब पाकिस्तान, हालांकि उनको जाने के लिए इच्छा नहीं थी, लेकिन जब दंगाई भड़की, भड़का दंगा, तो मानव संवेदना जो है वह समाप्त हो जाती है मानव के अंदर, और उनके मित्र हैं वो कहते हैं कि तुम्हें क्या आवश्यकता है जाने की, यहाँ पे ही रहो, इस प्रकार वो वार्तालाप करते हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन सा मुसलमान हो, उनका दोस्त हंसता है कि तुम तो शराब भी पीते हो, तो उसपे बड़ा ही सहज तरह से मंटो साहब का जवाब मिलता है कि इतना तो हूं कि मारा जा सकता हूं, मतलब जाति जो है इतना भड़क जाता है सांप्रदायिकता के अंधेरों में कि वह कहते हैं कि इतना तो मुसलमान हूं कि मारा जा सकता हूं, और फिर वहां से वह पाकिस्तान की ओर उन्मुख हो जाते हैं, चले जाते हैं। बहरहाल तो शहादत हसन मंटो का जो जो करेक्टर है बहुत ही बेबाक करेक्टर है, उनका कोई भी पात्र आपको साधारण नहीं मिलेगा, बहुत ही बेबाक अंदाज में मिलेगा, जो एकदम समाज को एकदम यथार्थ चित्रण करने का काम करते हैं।
अगर वह समाज नहीं, वह समाज जिन समाज के लिए मंटो साहब जिया करते, लिखा करते हैं, अफसानाएं लिखते हैं, उसके लिए वो कई बार जेल गए। जब जब अफसानाएं लिखे, अफसाना जो कहानियां लिखी, तब तब जेल गए। उसके बावजूद भी कभी उस पात्र के बारे में अपना लिखना बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि उनका एक मोटो था, वो एक मोटिव लेके चले थे, वो एक परियोजना लेके चले थे, जो एक संदेश पहुंचाना चाहते थे कि अगर वह समाज हमारे इस सभ्य समाज में नहीं रहेगा, चाहे वह कहीं भी रहे, किसी भी प्रांत में रहे, किसी भी शहर में रहे या गांव में रहे, वह पात्र नहीं रहेगा जो आप सभ्य समाज देख रहे हैं ना, जो सुरक्षित जो घूम रहे हैं, माता बहने या अन्य समाज, वह घूमते नजर नहीं आएंगे। ये बहुत बेबाक अंदाज से वो कहते थे। इसके लिए उनको कभी मलाल नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी को हमेशा वो कहानियां सुनाया करते, अफसाने अपने जो लिखते थे, कहानियां, गल्प्स, अफसाने जिसको आप कहते हैं, वो बेबाक अंदाज में कहते थे। बहरहाल तो ऐसे लेखक रचनाकार को भारत में वो बहुत प्रसिद्ध हैं, मगर बखूबी उतने एक सरहद के बनने से उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी अमूमन जो शोधार्थी हैं, अधिकार जो उनका लेखन शैली है, बहुत ही गहराई से एक मानव के मूल को झकझोर के रख देता है। ऐसे रचनाकार थे शहादत हसन मंटो। बहुत दार्शनिक रूप में वह, दर्शन के रूप में वह लिखते थे, जिसका कोई अभी तक कोई भी रचनाकार, इतनी कहानी कथा पढ़ने के उपरांत भी कोई भी रचनाकार उन तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, हमारे हिसाब से जो इतना हमने अध्ययन किया है। बहरहाल लेकिन बहुत बेजोड़ लेखक थे, रचनाकार थे, इसके बारे में आप लिखिएगा। उसके बाद आएगा कि अगर मान ले टिप्पणी के रूप में कि इंदिरा गोस्वामी के बारे में चर्चा कीजिए, जो कि इंदिरा गोस्वामी इसके रचनाकार है कहानीकार के, कहानी के। इसके उपरांत हम कल जो चर्चा करेंगे वह जो चार कहानियों के बारे में, एक चिता, एक लड़की जिसकी मैंने हत्या की, ट्रेडेल, प्राणधारा, अवेघल, अगर दूजो कबीर, अगर जितना हो सके पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके मूल संवेदनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, समीक्षा के बारे में बातचीत करेंगे, और समीक्षा के उपरांत उसके कथा का जो क्या है उस कहानी में, कहानी के परत दर परत खोल के रखेंगे। कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए, आज के लिए हम लोग इतना ही। कुछ जिज्ञासाएं हैं आप सबको? आज की जो कक्षाएं हम लोगों ने एक दूसरे के समक्ष बातचीत किए, तो उसमें कुछ आशाएं हैं आप लोगों को तो बताइए, उसके उपरांत हम लोग आज का कक्षा यही समाप्त करेंगे। कुछ जिज्ञासाएं हैं आप सब? सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? जी सर, सुनाई दे रहा है। कुछ प्रश्न है? जो चार कहानी हम लोगों ने चर्चा किया उससे कुछ जिज्ञासा? चलिए फिर आज का सत्र यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग अब लेफ्ट हो सकते हैं। सर कल कौन चार, कल कौन सा पढ़ के आएंगे जो होगा? मैं थोड़ा लेट हूँ। अच्छा अच्छा कल ये चिंता पढ़ लीजिएगा, गुजराती कहानी है रघुवीर चौधरी जी का, और लड़की जिसकी मैंने हत्या की जी, और ट्रेडिल जो कि तमिल कहानी है, उसके बाद प्राणधारा जो कि तेलुगु कहानी है, बेघी चोरिया कहानी, ये पांच कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और समय मिलेगा तो दूजो कबीर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लगातार हम लोग कल भी जुड़ेंगे, उसके 17 तक लगातार जुड़ेंगे हम लोग, है ना, 4 से 6 के। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ हमारे खड़ा।
आज कौन कौन पढ़ा है लटके कोई होगी। हेलो जो यहाँ पे दो लोग हैं आप मुझे बताओगे आज क्या पढ़ाया गया कौन सा टॉपिक। हेलो जो पुष्पा नाम से हैं और क्लासरूम टू नाम से क्या मुझे सुन पा रहे हैं।